नमस्कार, आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 474 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म अब 500 करोड़ क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच फिल्म के मेकर्स इसे ऑस्कर में भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि इन दिनों वो और उनकी टीम अब इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स में भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में अनिल ने कहा, गदर नहीं गई थी तो मुझे नहीं पता था कि गदर 2 कैसे जाएगी, पर हम इस पर अब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गदर 2 जानी चाहिए, ये फिल्म इतना तो डिज़र्व करती है। गदर भी डिज़र्व करती थी, उसकी कहानी 1947 के बंटवारे पर बेस्ड थी और हमने वो कहानी एकदम अलग अंदाज में पेश की थी। वो नई और ओरिजिनल कहानी थी और गदर 2 भी कुछ ऐसी ही है। अनिल ने अवार्ड ना मिलने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ पर ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई काम ही नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि अवार्ड पैनल में कौन बैठता है, पर वो मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं देते। मुझे याद है कि एक बार धर्म जी ने मुझसे कहा था कि वो नया सूट सिलवा कर अवार्ड शो में गए थे पर उन्हें कोई अवार्ड ही नहीं मिला। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं हूँ। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।